God. सभी का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये जो पुस्तक लिखी है पढ़ी नहीं, लेकिन पुस्तक में क्या है वो डिपेंड करता है कि लिखी किसने है। और डॉक्टर साहब ने बताई कि ये नो मेंबर कमेटी जो हमारे मेंबर है, उस कमेटी के मेंबर हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने पुस्तक लिखी तो पुस्तक में रियलिटी पाएगी पूरी, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इस पुस्तक में मिलेगी। वे सारी घटनाएं मिलेगी जो आने वाले 50 और 100 साल बाद में उनके दस्तावेज बहुत कम दिखाई देंगे। बहुत सी घटनाएं, हर रोज घटनाएं घटी, दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली से बाहर बॉर्डर रहे, यह आंदोलन बहुत दूर तक फैला हुआ था। दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन 200 किलोमीटर में था, लोग पता भी नहीं था कि कहाँ कहाँ आंदोलन है, पूरे देश भर में आंदोलन थे। जब संयुक्त मोर्चा खोल देता था तो पूरे देश और दुनिया में आंदोलन होते थे। और इस किताब पे जो फोटो भी दिया है, ये पहले फोटो आता था हाल जोतते हुए किसान का, लेकिन आज जो इस आंदोलन की पहचान पूरी दुनिया में ट्रैक्टर अपनी पहचान बनाई, उसका इस किताब पे दिया। तो सरकारों को भी समझना चाहिए कि अब जो किसान है वो किसान खाली हल वाला किसान नहीं रहा, और वो किसान यानी कि बैलगाड़ी से चलने वाला किसान है, और वो दिल्ली तक बैलगाड़ी से कैसे आएगा। अब वो किसान है कि अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाता है और आंदोलन में भी उस ट्रैक्टर को चलाता है, वो एक ट्रैक्टर उसके टैंक का काम भी करता है। अगर हमारे साथ में दो चीज ना होती, हमारे साथ में आंदोलन में ट्रैक्टर ना होता, और जब आंदोलन शुरू हो गया तो बाबाओं के भंडारण लंगर ना होते तो यह आंदोलन चल नहीं सकता। दो चीज बड़ी अहम काम होनी चाहिए। मोर्चे जितने थे तो वो ट्रैक्टर ने तोड़े, उसमें बैठने वाले लोग उसमें तोड़े, और टिकैत साहब हमेशा एक चीज कहते थे कि जिस दिन पंजाब खड़ा हो जाएगा, हरियाणा साथ जुड़ जाएगा, फतह हो जाएगी। लेकिन उनके सामने कभी ये सपना पूरा नहीं हुआ। और कोशिश करी, पंजाब का एक पार्ट आता था, हरियाणा का कुछ हिस्सा जब दिल्ली में मीटिंग करते थे तो आता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने पूरी टीम ने लग के किसान संयुक्त मोर्चा बनाया, जो पंजाब की जत्थेबंदी थी उन सारे जत्थे मंत्रियों को एक जगह किया, और जब पंजाब लड़ाई के लिए निकला तो उसके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ। हरियाणा का बड़ा योगदान था। जब जब भी मुसीबत आई, हरियाणा की खाप पंचायतें, हरियाणा के किसान संगठन, उन्होंने पूरे मूवमेंट को बैक से सपोर्ट किया। बड़ा योगदान हरियाणा का। और डॉक्टर साहब ने एक जो तीसरी चीज जो बताई, वो ये बताई कि दिल्ली के जो राउंडअप में है, इस पर तो रिसर्च हो रही है, इस पे हुआ कि जब ये इकट्ठे हो जाएंगे दिल्ली के 300 किलोमीटर के लोग, कि खेत में काम करने वाले किसान मजदूर, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये पूरे देश की लड़ाई लड़ देंगे। अब टाइम है कि किसान मजदूर दुकानदार
सब इकट्ठे हैं अब, और एक बड़ी लड़ाई की फिर भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए भी पूरी लोग भूमिका आए हैं। आज भी हम गांधी की फाउंडेशन में पढ़ते हैं, ये भी उसी आंदोलन का हिस्सा है। अभी 3 दिन डॉक्टर साहब लखीमपुर खीरी में रहे, तो वो भी उसी का हिस्सा है। आज भी जो मीटिंग अलग अलग जगह की चली हुई है, वो भी आंदोलन के हिस्से हैं। और आज पूरे देश भर में किस सरकार के खिलाफ अगर बोल रहा है कोई, तो उसको आंदोलन मानो। वो जो पुलिस के लोग हैं वे नहीं बोलते, वे जो रेलवे के लोग हैं वे जो है जज हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, लेकिन अंदर से सब लोग जज तो बहुत हार्ड क्रिमिनल के भी फैसले सुनाते हैं। उन्होंने कहा हमारी बात कौन उठाएगा, उनकी प्रॉब्लम अलग है। उन्होंने कहा हमारी गाड़ी है, एनजीटी ने 10 साल में गाड़ी बंद कर दी, अपनी आवाज हम उठा नहीं सकते, मगर भी आपकी भी आवाज से एक मोर्चा उठाएगा। उन्होंने कहा 10 साल में हमारी गाड़ी 70-80 किलोमीटर चलते, 70-80 हजार किलोमीटर, डॉक्टर की गाड़ी 90-1 लाख किलोमीटर चल जाती होगी, लेकिन एनजीटी के कानून के तहत वो 10 साल में खत्म हो जाएगी। यही हाल किसान के टैक्स का है। आंदोलन चल रहा है तो ट्रैक्टर बंद नहीं कर रहे, गाड़ी को तो तोड़ फोड़ करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर को कागजों में बंद कर दिया। अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप किसी के नाम नहीं करवा सकते, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। आप जैसे अवैध रूप से ट्रैक्टर को देते, तो क्या कोई किसान है कि 10 साल में कोई ट्रैक्टर को बंद कर। तो ये बहुत से कानून अभी आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे। बिल अमेंडमेंट बिल की बात हुई थी जब आंदोलन चल रहा, उसी टाइम पे एक बातचीत हुई थी। फिजिकल सरकार हमसे नहीं मिली, डिजिटल समझौता हुआ हमारा, आदान प्रदान का हुआ। उसने कहा कि बिजली जब भी बात आएगी तो आपके लोगों से किसान मोर्चे से बातचीत करी जाएगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं करी और उसमें बिल को ले जाए। और ये काम जब है कि आंदोलन चलते हैं पूरे देश में, ये दूसरे विश्व में फसलों के रेट का सवाल है। MSP गारंटी कानून देश को कई महीने भारत सरकार ने धोखे में रखा और कहा कि हम कमेटी बना रहे तो अपने नाम नहीं दे रहा। और जब कमेटी बनाने की भी बात आई, कहा जी नाम दे तो हम कमेटी डिक्लेयर कर रहे। वो MSP की कमेटी है ही नहीं, ना उसमें लिखा हुआ है कि MSP के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि MSP की कमेटी देश में सरकारें बनाने ही नहीं चाहती। ये जो 3 कानून थे, ये बिहार के अंदर 17 साल पहले लागू हुए, 17 साल पहले वहां की मंडियां बंद हो गई। अभी हम 1 महीना पहले बिहार में थे, मंडी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है मंडियां। उसमें बड़े बड़े अब सेट कंपनियों के सेट पड़ गए, मंडियों की जमीन को कंपनियों को दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो बिहार से लोग आते हैं उनको लोग मजदूर बताते हैं, उनको वर्कर बताते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा जमीन उनके पास में है, उनको भाव नहीं मिलता, इसलिए उन्हें बिहार को छोड़ के और दूसरी जगह क्रांति कर रहे हैं। वे किसान है बिहार का, लेकिन वो गिरदीमाड़ के मजदूर और स्लम बस्ती में रहता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके परिवार के लोग एक कम होने रहते हैं और वहां अपने कारोबार मकान दुकान अपने खेत छोड़ गए। तो हम खा रहे 800 रुपये क्विंटल तक उनकी धान की खरीद हो गई, 1200 रुपये क्विंटल तक मक्का,
1400 रुपये क्विंटल तक 1500 रुपये गेहूँ, मसूर 1600 रुपये क्विंटल, तुझे भाव ही नहीं मिलेगा कहीं। तो बिहार एक ऐसा स्टेट बना पाएगा कि जहाँ पे कानून और मंडी एक्ट लागू हो चुका है। जब हम बिहार में गए तो हमने उनको कहा कि अगला आंदोलन बिहार से शुरू होगा और मंडी पाली का आंदोलन होगा, उसके लिए वहां पर तैयारी चल रही है। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ कि नई सरकार वहां पर बनी, उनको भी हम कहकाए थे अगर यहाँ के मुख्यमंत्री इससे जितना जल्दी छूट जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगला उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार करेगा। उसके 10-15 दिन के बाद मुख्यमंत्री अलग हुए, उसके बाद में भी वहां सरकार से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मंडी आपके यहाँ की बंद है, आप पहला काम अब ये करो कि मंडियों को बहाल करो। और हम डॉक्टर साहब से सब लोग से बैठ के जब हमारी 6 तारीख में मीटिंग होगी तो बिहार के मंडी बहाली के आंदोलन को हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसको भी मुख्य धारा में जाकर आना है। पूरे देश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती, ये कागजों में दिखाते कुछ है लेकिन खरीद नहीं करते, क्योंकि इनके जो व्यापारी दोस्त हैं सरकार के सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में उसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, और इसीलिए भारत सरकार उस पर कानून नहीं बनाना चाहती। अभी हिमाचल में गए हम, वो क्षेत्र उदयपुर का एक क्षेत्र, वहां पर 150 किलोमीटर तक वहां मंडिया होती है, बाहर के व्यापारी जाते हैं सस्ते में फसलें खरीदते हैं, व्यापारी वहां पे बड़े बड़े व्यापार जाते हैं शोषण करते हैं, लोग उससे फर्जी तरीके से उनकी फसलें सेब फल फ्रूट वेजिटेबल को खरीद के जाते हैं, फिर कंपनी उनके डूब जाती है। ये जो इंडियन में लोग पढ़ते हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। सबकी आस संयुक्त मोर्चे पे है, श्रीनगर काश्मीर में गए तो वहां के किसानों की साथ में जोड़ना चाहते हैं, और उनको भी आस है कि श्रीनगर का किसान जो इंटर में पढ़ता है जो सेब की कमाने की खेती करता है, संयुक्त मोर्चा उसकी भी आवाज उठावे और देश में जो 23 फसलें हैं एमएसपी की उससे ज्यादा जितनी भी वेजिटेबल्स फल फ्रूट दूध मछली अंडा इसमें भी भाव तय हो। लेकिन हालात क्या है, हालात ये है, बड़ा सच है कि देश में अभी तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, देश में कृषि मंत्रालय ही नहीं है, देश को धोखे में रखा जा रहा है। देश के कृषि मंत्रालय को 18 भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्ट्री देखती है, 18 मिनिस्ट्री उसको देखती है। अगर फसल खड़ी हुई है तो कृषि मंत्रालय, अगर फसल कटके से गिर गई तो दूसरा मंत्रालय, उसका भाव तय करने वाला तीसरा मंत्रालय, माल ढुलाई के लिए रेलवे मंत्रालय, विदेशों से समझौता होगा तो विदेश मंत्रालय, उसको परमिशन लेनी होगी तो उसके लिए जेएनटी की मॉडिफाइड की जो परमिशन देते हैं तो दूसरा मंत्रालय, तो ये 18 मंत्रालय। हमने जब भारत सरकार से बातचीत होती थी आंदोलन के दौरान उन्हें सब्जेक्ट पे कोई बात कभी नहीं करी, लेकिन उससे पहले जब भी बात हुई हमने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आप अलग से बनाओ, एग्रीकल्चर कैबिनेट होगी उसमें 18 मंत्रालय अलग से दो, उनके सेक्रेटरी बैठे और कोई भी पॉलिसी तय करनी हो वो मिनिस्ट्री तय करेगी एग्रीकल्चर की पॉलिसी। देश में कौन सी फसल कितनी देश में जो वक्त है उस हिसाब से खेती नहीं होगी, कौन सी फसलों का भाव ठीक आ गया किसान ने उसी फसल को ज्यादा लगा दिया,
लेकिन दिक्कत है कि जैसे ही फसल ज्यादा हुई, पैदावार ज्यादा हुई, तो उसका भाव गिर गया। ये जरूरत यहाँ की सरकार की थी कि कितनी जनसंख्या पे कौन सी फसल की जरूरत है, उसको उतने ही क्षेत्र में लगवाया जाए। लेकिन कोई कंट्रोल इंपोर्टिंग देश में नहीं है। इनका मकसद है कि वो खेत को छोड़े, कंपनियां खेती करें, जो दिक्कत आई और एग्रीकल्चर को और ग्रामीण उसको दो छोटे और शहरों की तरफ शिफ्ट करें, लोग मजदूर बने, ये भारत सरकार का प्लान है। ये हमको समझ में आ गया है कि भारत सरकार जैसे दूसरे सेक्टर को कब्जा करना चाहती है, ऐसे ही एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमारी कृषि को कब्जे में लेना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर खेती करेगी, जैसे गुजरात में करीब 8 गांव की जमीन रिलायंस कंपनी को दी, वहां पर आम की खेती होती है। सुप्रीम कोर्ट का खड़ा है। मुंबई में रहने वाली रिलायंस कंपनी गुजरात के गांव में खेती करेगी, वो प्रॉफिट में होगी। लेकिन वहां का एक किसान खेती करता है तो वो घाटे में रहेगा। तो ये कहीं पर भी इस तरह की पॉलिसी आ गई, जमीन छीनने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मुझे गांव समाज की जमीन है, मुझे बंजर जमीन है, मुझे किसी को अलॉटमेंट के पट्टे हो, वो पहले देश में इंद्रत हुए देश में जमीन छीनने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। दूसरा सेकंड फेस आएगा बैंक के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जब बैंक सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड लेने की जिम्मेदारी भी उनकी हो, तो उनका पूरा प्लान और पूरा ये बना हुआ है कि हम या तो किसान क्रेडिट कार्ड पैसे देगा, नहीं देगा तो वो जमीन दे देगा उसके बदले। तो वो भी एक प्रोग्राम उन्होंने चलाया है कि उसके माध्यम से भी आपकी जमीन देने का काम करें। तो इनका मकसद सिर्फ जमीन पे है। तो हमको ये आंदोलन के माध्यम से संयुक्त मोर्चे में इन पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा, जिससे कर्जा मुक्ति, कर्जा क्यों हुआ, कर्जा हुआ सरकार की गलती, कर्जा मुक्ति हो गया हमारा संपूर्ण कर्जा मुक्ति अभियान, MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जमीन बचाने का आंदोलन, ये भी हमको चलाना पड़ेगा। बहुत लोगों जिनको पट्टे दिए थे, जिनको 30 साल पहले, 40 पहले साल पहले, और उत्तराखंड में तो हालात ये हुई कि जिनको 60 साल पहले भी जिन पे जंगलों की जमीन दी गई थी, आज उनसे जमीन वापसी लेने का प्रोग्राम है। खास करके जो सिख कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, उनको यह है कि ये आंदोलन में ज़्यादा हिस्सा ले रहे, तो उनकी जमीन छीनने का एक बड़ा काम रहेगा। तो हमको इन सारे इशू पे हमको काम करना होगा, मजदूर उस पर भी हमको काम करना होगा, उनको रोजगार कैसे, इन पर काम करना होगा। एजुकेशन का क्या हाल होगा, उसमें भी हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार एजुकेशन पर ठीक काम कर रही है। ये पॉलिसी अब पूरे देश में कर सकते हैं। अभी ये नहीं कि हम किसी पार्टी का उसका होंगे, जो भी कोई लोग काम करेगा हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते, उसको कह सकते हैं इनकी ये पॉलिसी चल रही है। लेकिन जो भारत सरकार है वो अभी आंदोलन के बीच में बहुत सी पॉलिसी ग्रामीण के विरोध में लेकर आया, दूध की पॉलिसी भी पाइपलाइन में रखा हुआ है। अगर दूध भी हमारा खत्म होगा, दूध भी बाहर की कंपनियां यहाँ पर बेचेगी, हिंदुस्तान के किसान का क्या हाल होगा, ऐसा होगा जैसे टर्की में आज एक भी पशु वहाँ पर नहीं है। तो आने वाले टाइम पर धीरे धीरे यही हालात आगे भी होगी। आवारा पशु की समस्या पूरे देश में, फसलों के अगर हमने फसल दे दी, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ने की बेल्ट है, हमारी फसलें जा रही है तो उसका भुगतान नहीं होता। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का एक पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया के पेज, हमने कहा कि हम भी धन्यवाद दे दें, हमको फसलों को, हमारी फसलों को आप उस पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ दो, हमको भी डिजिटल कर दो। जब पूरा इंडिया डिजिटल हो ही रहा है तो किसान भी डिजिटल हो जाएगा,
हम भी डिजिटल चैंपियंस है, भुगतान दे लेंगे। हमारा भुगतान 8 और 9 एक साल में होगा और नाम डिजिटल इंडिया दिया जाएगा और हम आंदोलन करेंगे तो हमको आतंकवाद के खालिस्तान की और लेफ्टिस्ट बता आ जाएगा। फिर आवाज दबाने का मार्ग है। अब लड़ाई सरकार से होगी, आंदोलन कहाँ कब और कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, कौन कौन लोग उसके साथ में आएंगे, कौन लोग सरकार के साथ में जाएंगे, क्योंकि अब सरकारें भी बहुत काम कर रही है। पहले सरकार पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ती थी, अब सरकार किसान संगठन को तोड़ दी, उसी नाम से नए नए किसान संगठन बना ले। बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी हमारे नाम से किसान संगठन बना के उसके समर्थन कर दे, मतलब अजीब मामला है। उनके रजिस्ट्रेशन करवा रहे, लोग को भ्रमित कर रहे हैं कि लोग भ्रमित हों, आंदोलन से ना जुड़े, लेकिन आम पब्लिक आपके मूवमेंट से, आपकी जो लीडरशिप है उससे जुड़ना चाहते हैं। कल भी जैसे आप जब हम दिल्ली में कल आए तो पुलिस वालों ने गेट हमको बॉर्डर पर देखा तो रोक लीजिए, रुको, आप दिल्ली में जा रहे हो जी, खबर देनी पड़ेगी दिल्ली में। पका भाई दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं जा नहीं सकते, नहीं जा नहीं सकते। उग्रा के कुछ संगठन के लोग थे जो पीली पगड़ी पहन लेते, हम ग्रीन वाली पहन लेते, तो उनको तो दिल्ली से बाईपास कर दिया फिर उग्रा ने, लेकिन हमको 3 घंटे पटा के कंफर्मेशन करा कि आप दिल्ली में नहीं जाओ। हमने कहा कोई ऑर्डर दिल्ली में जाओगे, आप जाके कहीं ना कहीं पटोगे। तो हम तो धन्यवाद दे रहे कि हमारी इमेज ये तो बनी कि हम कहीं जाके बैठ सकते हैं। और भारत सरकार किसान संगठनों का नाम लेके उसके नाम से किसान संगठन बना रही, तो कम से कम किसान उनके दिमाग में है। आज देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जब स्पीच देते हैं तो किसान का नाम उठाया, उनके बातचीत में तो किसान आया, उनके क्रम में किसान उनको सोच नहीं आया। यह आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक उनके दिमाग में, उनके कलम में किसान सब नहीं आएगा। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। डॉक्टर साहब नेता, डॉक्टर संवेद नेता, हमारे सब साथी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हमारे हैं, सब लोग इन मूवमेंट की तरफ लगे हुए हैं। हमारे सभी जो भी साथी हमारे हरियाणा, पंजाब और अलग अलग क्षेत्र में आए हैं, इन सबको धन्यवाद, क्योंकि हमारे वहाँ लखीमपुर में रहेंगे बड़े खराब, वहाँ पे ये गर्मी बहुत ही 50 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर 3 दिन तक रहे, उससे तबियत खराब हो गए और बहुत ज़्यादा सर्दी माना यही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका सारे प्रेस के लोगों का धन्यवाद है कि प्रेस के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाए और ये हमारा मूवमेंट आगे चलता है। जय हिंद, जय भारत।